अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ शाहिद रजा, मेरी तरफ से आप तमाम नाजरीन को हुजूर गौसे पाक अलैहि रहमतु व रिजवान का उर्स मुबारक यानी ग्यारहवीं शरीफ बहुत बहुत मुबारक हो। नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही कामयाब वजीफ़ा बताने वाला हूँ। इस वजीफे को आप कर लेंगे इंशाअल्लाह तबारक व ताला साल भर तक हर तरह की मुसीबतों से आपकी हिफाजत होगी। पहले आइए उसकी इस वजीफे की तरकीब समाप्त कीजिए कैसे करना है, फिर इसके बाद मैं बताऊंगा क्या पढ़ करके जो काम करना है। समाप्त कीजिए एक तरफ से दिल से इस वीडियो को लाइक करके दूसरों को भी जल्द से जल्द शेयर कर दीजिए, इसलिए कि टाइम बहुत ही कम है। नुस्खे बगदादी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल साल भर तक आफतों से हिफाजत। सुनिए, रबीउल गौस की ग्यारहवीं शब यानी ग्यारहवीं शब यानी ग्यारहवीं रात, बड़ी रात। सरकार गौसे आज़म के ग्यारह नाम अव्वल व आखिर, ग्यारह बार दरूद शरीफ पढ़कर ग्यारह खजूरों पर दम करके उसी रात खा लीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल सारा साल मुसीबतों से हिफाजत होगी। अब ग्यारह नाम क्या है ये है मैं आपको बताता हूँ एक तरफ से, यानी आपको करना यही है कि ग्यारह खजूर लीजिएगा, ग्यारह खजूर ले लीजिए, उसको सामने रखिए, सामने रख करके ग्यारह बार शुरू में दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, उसके बाद जो नाम बताने जा रहा हूँ हुजूर गौसे पाक का ये ग्यारह नाम पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर ग्यारह बार दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। पढ़ लेने के बाद हर खजूर पर जो है दम कर देना है एक तरफ से, या तो जो है एक साथ सब पर दम कर दीजिए, लेकिन बेहतर यही है कि हर खजूर पर अलग अलग करके सब पर दम कीजिए और उसके बाद उसी रात जो है इस ग्यारह खजूर को खा लेना है। इंशाअल्लाह तबारक व ताला साल भर जो हर तरह की आफत और बलिया से आप महफूज रहेंगे। अब ग्यारह नाम क्या है गौर से सुनिए, पहले ग्यारह बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा जो भी दुरूद पाक आपको याद हो, उसके बाद ये नाम शरीफ पढ़ेंगे। पहला नाम है गौसे पाक का या शेख मुहियुद्दीन, दूसरा है या सैयद मुहियुद्दीन, तीसरा है या मौलाना मुहियुद्दीन, चौथा है या मखदूम मुहियुद्दीन, पांचवा है या दरवेश मुहियुद्दीन, छठा है या ख्वाजा मुहियुद्दीन, सातवा है या सुल्तान मुहियुद्दीन, आठवा है या शाह मुहियुद्दीन, नौवा है या गौस मुहियुद्दीन, दसवां है या कुतुब मुहियुद्दीन, ग्यारहवां है या सैयद सादात अब्दुल कादिर मुहियुद्दीन। इसके बाद ग्यारह बार आप फिर दुरूद शरीफ पढ़ें, इसके बाद सब खजूरों पर जो है एक एक करके सब पर जो है दम कर दें, दम करने के बाद उसको आप खा लीजिए इंशाअल्लाह तबारक व ताला। उसी रात खाना है ये ख्याल रहे, ग्यारहवीं ही की शब को खाना है, उसके बाद आप साल भर तक हर तरह की आफतों बलिया से महफूज रहेंगे इंशाअल्लाह तबारक व ताला। हवाला है जिन्नात का बादशाह सफ़ा नंबर 18।